शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चले बेटा क्वेश्चन पढ़ो एक बार बुलंद आवाज में एकदम। डीन महापत्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक गुड्स रुपीज 60,000 एंड मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। डी महापत्रा जो हैं उन्होंने बिजनेस शुरू किया है और उन्होंने 50,000 रुपए का कैश लाए हैं, 1 लाख रुपए चेक यानी बैंक, गुड्स लाए हैं 60,000 का, मशीनरी लाए हैं 1 लाख रुपए की और फर्नीचर लाए हैं 50,000 का। चलिए हम उनको उनके यथास्थान लिखते हैं। तो सबसे पहले बेटे क्या बताया आपने, कैश कितना है बेटा 50,000। नेक्स्ट क्या है, चेक यानी बैंक कितना है बेटे 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्या है बेटा, गुड्स यानी स्टॉक कितना है 60,000। नेक्स्ट क्या है बेटे, मशीनरी क्या कितने की है मशीनरी 1 लाख रुपीज की। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर कितने का है बेटा 50,000। और कुछ है नहीं। आपको पता होगा कि इन सबको टोटल करने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगी हमारी कैपिटल। जोड़े जरा कितना हो गया 1,50,000, 60,000, 360 टोटल हो गया 360। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। देखें मैं इसको ट्रांजैक्शन को आपको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, अबव गुड्स यानी 60,000 की गुड्स है उसका 1/3, उसका जो 1/3 है हमने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश यानी हाफ जो है वो हमें रिसीव हो गई है और बाकी रिसीव नहीं हुई है, यानी क्या हुआ क्रेडिट पे सेल हुई है। किस पे सेल हुई है, क्रेडिट पे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए देख बेटा गुड्स कितने की थी 60,000 की, उसका उसने बोला 1/3। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करना है, हमने क्या बोला है 1/3। 1/3 कितना हो गया बेटा 20,000, यानी ये 20,000 हमने बेचा है कितने पर बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना है 10%, तो 10% प्रॉफिट कितना हो गया बेटे 2000, यानी 22,000 का सेल हुआ है। हाफ हो गया कैश में, बाकी क्रेडिट में यानी डेटर लिख देंगे बाद में, यानी क्रेडिट सेल हुई है। तो देखें यानी 11,000 यहां आ गए और 11,000 यहां हो गए। बात समझ पा रहे हैं, डाउट लग रहा है कोई बेटा 20,000 की 60,000 का स्टॉक था, उसने कहा जी 1/3 बेच दो, हमने 1/3 बेच दिया। तो 1/3 कितना इसका 60,000 का 1/3 20,000। उसने कहा जो बिका है वो 10% प्रॉफिट पे बिका है, 10% प्रॉफिट यानी इसका कॉस्ट का 10% कितना हो गया 22,000। उसने आप बोला लॉस हो जाएगा वो जो आप माइनस करने की कह रहे, उसने प्रॉफिट के लिए बोला है, लॉस पे नहीं बोला, प्रॉफिट के लिए बोला है। तो प्रॉफिट के लिए ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी ये क्या है हमारा प्रॉफिट आ गया। अब उसने बोला है कि हाफ हमें कैश में रिसीव हो गया और हाफ अभी रिसीव नहीं हुआ, यानी क्या हुआ क्रेडिट पे। देखो अब यहीं से अमाउंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/3 कितना है बेटा 20,000 और 2,000 का प्रॉफिट, ये रिमेम्बर रखना है। तो देखें 20,000 की पहले स्टॉक कम करो, 20,000 से स्टॉक का माइनस कर दो, करेक्ट। और प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000। समझ आ रही है बात, डाउट है कोई नहीं। फिर वो बोल रहा है जी 11,000 कैश में रिसीव हो गए और 11,000 कहां से ले गए क्रेडिट पे, तो 11,000 कैश में बढ़ा लो, कोई दिक्कत आ रही बेटा नहीं। फिर क्या आएगा डेटर, डेटर कितने के हो गए बेटा 11,000 के। कोई यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो समझने में, ठीक है। चलें फिर दोबारा से हम टोटल करेंगे इसका, यहां से करो बेटा टोटल कितना होगा 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 का स्टॉक बच गया क्योंकि 20,000 बिक गया, 1 लाख की मशीनरी हो गई,
फिर क्या है फर्नीचर 50,000 का प्लस 11,000 का डेटर्स हो गया। कोई डाउट है? अब इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 362 ही आएगा एट एनी कॉस्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। हाँ, एप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस। तो लॉस है हमारे लिए किसका? मशीनरी का 10%, यानी कितना हो गया बेटा 10,000। तो लॉस मैंने आपको क्या बताया, कहाँ और जाएंगे? कैपिटल में बताए थे 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50। आराम आराम से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। और ये आ गया 352। नेक्स्ट बेटा, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। वाह भाई वाह, पर्सनल यूज कितना? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होगा? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स होंगी तो क्या होगा? कैपिटल भी कम होगा और कैश भी कम होगा। आपको याद होगा जब हम कैपिटल लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? कैश भी बढ़ाते हैं और कैपिटल भी बढ़ाते हैं। अब जब ड्राइंग्स कर ली तो क्या करेंगे? कैपिटल भी कम करेंगे और कैश भी कम करेंगे। अगर वो कहता कि गुड्स में यानी स्टॉक निकाल लिया तो क्या करते? स्टॉक कम कर देते और कैपिटल माइनस कर देते। डाउट है कोई? चले 10,000 आ गया बेटा। 10,000 का था ड्राइंग्स। बेटे इससे आसान मेथड नहीं है दुनिया में मेरे हिसाब से। सिर्फ एक बार जितने क्वेश्चन करा रखे हैं उनको रिवीजन कर लो, सारी की सारी चीजें उसके अंदर अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी। आपको जरूरत ही नहीं है समझने की दोबारा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ये गारंटी मिली है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करो बेटे। ये नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%। देखो बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये यही माइनस क्यों हुआ और यही क्यों प्लस हुआ। आपको याद रखना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी आएगा उसको कैपिटल में ही प्लस करना है और कैपिटल में ही माइनस करना है। क्या बताया मैंने? कैपिटल में प्लस करना। इसको मगअप कर लो आप, क्या करना है कि अगर जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका? यानी हमने कितने 10,000 विड्रॉ किए थे तो इसका 5% ले गया, तो इसका 5% कितना हो गया? 500। डाउट है कोई बेटा? चले आगे। हाँ बेटे फिर देखो टोटल करेंगे दोबारा से हम लोग। देखो बेटा ये आ गया 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू 342। नेक्स्ट बोलो बेटा, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल। हाँ देखो गुप्ता जी को हमने, हाँ जी देखो गुप्ता जी को हमने 10,000 रुपए का माल बेचा और वो हमें BR दे गए 3 महीने का। अब BR हमें दे गए, देखो क्या बेचा हमने उनको? माल बेचा है 10,000 रुपए का। तो क्या करेंगे बेटा? स्टॉक कम कर लेंगे, ठीक है। और सेम अमाउंट का उन्होंने हमें क्या दे दिया? BR दे दिया। तो ऊपर क्या लिख देंगे? बिल रिसीवेबल कितने का हो गया? 10,000 का, 3 मंथ्स के लिए। यहाँ 3 मंथ्स का कोई रोल नहीं लिखना, हमें लिखना नहीं है बस, ठीक है। हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस करना होता है और ये यहाँ से स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई डाउट है बेटा? नहीं। चले देखो 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 3,42,000। अब क्या कह रहा है लास्ट ट्रांजेक्शन में बेटा? रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द BR ऑन इट्स मैच्योरिटी। यानी 3 महीने के बाद गुप्ता जी ने हमें
बिल रिसीवेबल के पैसे दे दिए, यानी बिल रिसीवेबल हमारा इन कैश हो गया। जब इन कैश हो गया तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया बेटा, जीरो, यानी 10,000 क्या हो गया यहाँ पे माइनस, और 10,000 कहाँ पड़ जाएंगे बेटे, कैश। फिर से वही अपना कार्यक्रम चालू करो, 60 1000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस डैश हो गया और ये हो गया 3,42,000। बोलो हाँ, कोई डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं से भी? नहीं, बहुत इजी वे में कराया है और इम्पोर्टेंट सिर्फ इसके अंदर यही था। मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ बेटा आपको। उसने जो सेकंड ट्रांजैक्शन बोली थी कि 1/3 ऑफ दी अबव गुड्स, अबव गुड्स कितना था बेटा 60,000, उसका 1/3 उसने बेचा, 20,000 की वैल्यू हो गई, और उसने बेचा 10% के प्रॉफिट पे। अब 10% के प्रॉफिट पे बेचा तो कितना हो गया, 22,000 का सेल हुआ है। उसने कहा हाफ रिसीव हो गया, यानी कैश रिसीव हो गया हाफ, तो बाकी कहाँ गया, क्रेडिट पे, यानी डेटर हो गए, और 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। और कोई डाउट? चल बेटा।